हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे वीवीए की क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से आप अपने किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी डेटा को वन पीडीएफ में कैसे सेव एज करेंगे। तो मैं यहाँ एक बटन बनाना चाहता हूँ जो कि इस फाइल को पीडीएफ में सेव कर दे। तो सबसे पहले पीडीएफ में सेव करने से पहले आप इसकी प्रिंट में जाके देख ले कि इसका प्रिंट की सेटिंग सही है, एक पेज में प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपका पीडीएफ का सेटिंग सही, प्रिंट सेटिंग सही नहीं होगा तो पीडीएफ में आपका वही होगा कि आधा एक पेज में दिखेगा, दूसरा कॉलम दूसरे पेज में दिखेगा। तो पहले इसको सही कर ले। सही करने के बाद मैं जा रहा हूँ डेवलपर के अंदर और यहाँ माइक्रोज नहीं विजुअल बेसिक, और यहां से मैं एक नई जो है इंसर्ट करूंगा मॉड्यूल्स, और यहां पे सब्जेक्ट सेव पीडीएफ ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे हम वेरिएबल लेंगे कि टिम डब्ल्यू एस एज ए वर्क सीट। और यहां हम करेंगे सेट डब्ल्यू एस इक्वल टू एक्टिव शीट्स, डब्ल्यू एस डॉट डॉट एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट और यहां पे एक्सेल टाइप पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल नेम किस लोकेशन में आपको सेव करना है वो आपको यहाँ चूज करना होगा। तो मुझे मान लीजिए सेव करना है एफ ड्राइव के अंदर, डेटा के अंदर, एफ ड्राइव डेटा के अंदर। और जो फाइल का नेम है ना, वो नेम मैं चाहता हूं कि करेंट सिस्टम डेट हो। तो हमें यहां पे एन लगाना पड़ेगा फॉर्मेट, और यहां डी डी डैश एम 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 डैश वाई वाई, फिर एन परसेंट डॉट यहां पे डॉट पी डी एफ। सिंपल सा। तो ये तो होगी। अब इसको बटन पे कैसे करेंगे? तो यहां इंसर्ट में हमें मिलेगा बटन्स, बटन को लिया ड्रैग किया और इस सेव पीडीएफ को यहाँ पे हमने अप्लाई किया। नाम जो है यहाँ पे हम पीडीएफ के नाम से दे देते हैं। अब इसको एक बार ट्राई करते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने फॉर्मेट की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी है। मैं तो इसको ऐड करता हूँ, वापस आता हूँ। बन गया। तो हमें जाना है चेक करने के लिए एफ ड्राइव में। देखिए क्लिक करते हैं ओपन, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। तो एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। हमने कोड कोड लिखा था इस तरह से, हमने एक डब्ल्यू सीट लिया एक्टिव सीट। तो आप अगर कंफ्यूजन है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डब्ल्यू एस की जगह पे एक्टिव सीट, तो मेन कोड यही है, डाल दीजिए डायरेक्ट कि एक्टिव सीट डॉट एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ का टाइप और फाइल का पाथ विथ नेम। सिंपल, कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह के सिंपली वीवीए की प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस जो कि जूम के थ्रू होती है वो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में हमारे रिकॉर्डेड सेशन को भी ले सकते हैं। तो प्रॉफिट ऐप डाउनलोड कीजिए और रिकॉर्डेड सेशन में चले जाइए, या फिर मुझे कॉल कीजिए लाइव सेशन के लिए। थैंक यू।